Hello students, in today's video we will discuss question number 7 of exercise 6.5. This is an important question, so let's start. Question number 7 is: true that the sum of the squares of the sides of rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals. Question bilkul simple, aap samajh gaye honge. Ab question ki pehle hame diagram banana hai, question ko samajhna hai ki hame prove kya karna hai, theek hai? Aur uske baad hum karenge iska solution, theek hai? First of all, we need to draw a rhombus, okay? Suppose this is a rhombus A, B, C and D, okay? और diagonal भी हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा. So join AC and DB. Suppose these diagonals are intersecting each other at point O. Students, हमें पता है that in a rhombus diagonals bisect each other at right angle, okay? 90 degree. तो ये सारे angle आपके कितने हो जाएंगे? 90 degree, ठीक है? अब ये अगर 90 डिग्री है तो हम इनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम का मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वैसे ही हमें प्रूफ करना है, ठीक है? देखिए, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो हम यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं. गिवन में क्या है उसके बाद लिखेंगे. टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है. सो गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ओके? दिस इज गिवन. नाउ टू प्रूव में देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ओके? ये हुआ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस रोम्बस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगनल्स. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगनल्स मीन्स डायगनल्स का स्क्वायर करो और उसका हम अगर सम कर देंगे तो इसके इक्वल आएगा इनकी साइड्स का स्क्वायर का सम. ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स. तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि अगर रिजल्ट हमें स्क्वायर में चाहिए मीन स्क्वायर ऑफ द साइड्स, देन वी नीड टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दैट क्वेश्चन, ओके? नॉर्मली हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल में हमें अप्लाई करना है, क्योंकि देखो हमें ए बी स्क्वायर चाहिए तो ए बी जिसमें हाइपोटेन्यूस है उसका हमें यूज करना होगा. देन बी सी, बी सी इज द हाइपोटेन्यूस इन ओ बी सी ट्रायंगल. देन सी डी, सी डी इज इन इज द हाइपोटेन्यूस इन ट्रायंगल ओ डी सी. And DA is the hypotenuse in AOD. It means we have to apply Pythagoras theorem in all the four triangles. Okay, four small triangles. So apply करके देखते हैं क्या आएगा. देखिए, in triangle AOB, hypotenuse means AB square is equals to square of sum of square of other two sides AO square plus OB square. ठीक है, this is our equation number one. Now in triangle OBC, OBC में हमारे जो हाइपोटेन्यूस कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस है BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. दिस इज आर इक्वेशन नंबर टू, ओके? नाउ इन ट्रायंगल ODC, ODC दिस ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल, DC स्क्वायर या CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन. देन फोर्थ ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. सो AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फोर. स्टूडेंट्स, रिजल्ट में हमें पता है कि ये जो चारों साइड इनका स्क्वायर का सम चाहिए, इसका मतलब कि हमें ये चारों साइड को ऐड करना होगा, ठीक है? सो एडिंग ऑल द इक्वेशंस, एडिंग 1, 2, 3 and 4 इक्वेशंस, ओके? क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. ऐसे आप लोगों को लिख लेना स्टूडेंट्स, इनकी जो चारों जो इक्वेशंस की राइट साइड रहेगी इनको आप यहाँ पे सम करके लिख लेंगे. स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में तो हमारे पास आगे जो हमें रिक्वायर्ड था ये, बट राइट साइड में हमारे पास जो ये सारी जो टर्म्स आई हैं इन टर्म्स को हमें रिप्लेस करना है जो डायगनल्स है उनका स्क्वायर का सम, ठीक है? तो अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा. देखिए, नेक्स्ट टर्म में हमारा आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर. लेफ्ट साइड आपको एज इट इज रखनी है,
नाउ AO square प्लस AO square, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ AO square प्लस सिमिलरली ट्वाइस ऑफ OB square प्लस ट्वाइस ऑफ OC square प्लस ट्वाइस ऑफ OD square, ठीक है। यहां से आप टू बाहर कोमा निकाल सकते हैं, टू कोमा निकालेंगे तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ AO square प्लस OB square प्लस OC square प्लस प्लस OD square, ठीक है। अब देखिए आपको जो फाइनल रिजल्ट चाहिए किसमें चाहिए, AC और BD, तो AC BD और जो ये हमारे पास जो AO OB OC OD जो है साइड्स, इनके बीच का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग एक प्रॉपर्टी बताई थी दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन केस ऑफ ए रोम्बस, ओके। सो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा क्या होगा कि AO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC होगा, ठीक है, जो BO होगा ये होगा हाफ ऑफ BD, सिमिलरली CO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC एंड DO जो रहेगा आपका वो भी रहेगा हाफ ऑफ BD। ये जो रहेंगी वैल्यूज इनसे आप रिप्लेस कर दीजिए, लास्ट में हमारे पास जो ये आया हुआ यहाँ पर इसको आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए AO को हम करेंगे हाफ ऑफ AC से, सो ट्वाइस ऑफ AC बाई टू एंड होल रेज टू पावर टू, सिमिलरली रिप्लेस BO बाय हाफ ऑफ BD मीन्स BD बाय टू, सो BD बाय टू एंड होल रेज टू पावर टू, प्लस OC को हम रिप्लेस कर देंगे, OC को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, वन बाई टू AC मीन्स AC बाय टू, ओके। और जो आप करेगा OD इसको भी हम कर देंगे BD बाय टू, लास्ट में आपका आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो कितना देखिए लेफ्ट साइड में आपका सेम वही आ रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर बाय फोर प्लस BD स्क्वायर बाय फोर प्लस AC स्क्वायर बाय फोर प्लस BD स्क्वायर बाय फोर, ठीक है। यहाँ पे आपके जो दो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, मतलब इनको हम ऐड करके लिख देंगे, तो ऐड करके जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर बाय फोर, ओके, एंड ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर बाय फोर, ये आप जब कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आ जाएगा ये बचेगा आपके पास, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एंड प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर बाई टू प्लस बी डी स्क्वायर बाई टू, और यहां से जब आप 1 बाई टू कोमा निकालेंगे, जो अंदर से 1 बाई टू कोमा निकालेंगे तो बाहर जो 2 है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या आएगा देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाई टू और इन ब्रैकेट आप करेंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होने के बाद स्टूडेंट्स जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था। सो लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगते हैं स्टूडेंट्स जब इनको सोल्व करते हैं तो अपने आप मतलब मजा आता है आपको सोल्व करने में, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनको स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन, हमने सोल्व कर लिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको भी। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे स्टूडेंट्स इसके आगे के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, टेक केयर।